बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी के बाद उनकी हर तरफ आलोचना हो रही है। विपक्षी दलों के नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। वहीं बीजेपी के कई नेता भी बिधूड़ी के बयान को गलत बता रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी जुड़ गए हैं। निशिकांत दुबे ने रमेश बिधूड़ी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ये टिप्पणी बहुत गलत थी। हालांकि दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बसपा सांसद के अशोभनीय शब्दों और आचरण की भी जांच करने की अपील की। अपने ट्वीट में निशिकांत दुबे ने लिखा है, रमेश बिधूड़ी जी के लोकसभा में दिए बयान को कोई भी सभ्य समाज ठीक नहीं कह सकता। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन लोकसभा स्पीकर जी को सांसद दानिश अली के भी अमर्यादित शब्दों और आचरण की जांच करनी चाहिए। बीजेपी सांसद ने आगे लिखा, लोकसभा के नियम प्रक्रियाओं के तहत किसी सांसद के निर्धारित समय के बीच टोकना, बैठे बैठे बोलना, रनिंग कमेंट्री करना भी सजा के दायरे में आता है। मैं पिछले 15 साल से सांसद हूँ। लोकसभा के खुलने से लेकर बंद होने तक सबसे ज्यादा समय तक सदन में रहता हूँ। ऐसा दिन देखने को मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। निशिकांत से पहले बीजेपी सांसद हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद भी पूरे मामले पर सफाई दे चुके हैं। वहीं रमेश बिधूड़ी की लोकसभा में टिप्पणी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खेद प्रकट किया था। हालांकि सदन की कार्यवाही के एक दिन बाद विवाद बढ़ने पर बीजेपी ने बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। बसपा सांसद दानिश अली ने भी लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष ये मामला उठाया और पत्र लिखकर मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने को कहा है। इससे पहले ओम बिरला ने बिधूड़ी के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर भविष्य में ऐसा फिर हुआ तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। हाल ही में खत्म हुए संसद के विशेष सत्र के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी चंद्रयान की सफलता पर लोकसभा में बोल रहे थे। इसी दौरान वो लोकतंत्र के मंदिर में बीएसपी सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद बीजेपी सांसद की टिप्पणी सियासी बवंडर में बदल चुकी है।